हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीएम नॉलेज। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूटीएस ऐप कैसे यूज करते हैं। यूटीएस ऐप का यूज कर आप किस तरीके से टिकट बुक कर सकते हो। इस एप्लीकेशन से आप अपना जनरल, लोकल, अनरिजर्व टिकट बुक कर सकते हो। इस ऐप में टिकट बुक करने के बाद किस तरीके से कैंसिल करना है वो भी आपको बताऊंगा। इस ऐप से जो भी आप टिकट बुक करोगे उसे बुक करने के लिए आपको IRCTC के पासवर्ड या फिर अकाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको हर एक जानकारी मिल जाएगी। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आपको हमारी और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से यूटीएस ऐप इंस्टॉल करना होगा। प्ले स्टोर ओपन करिए, सर्च बार में आपको टाइप करना है यूटीएस। जैसे ही आप टाइप कर सर्च करोगे ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगी, इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करिएगा। ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको परमिशन अलाउ करना है। अब यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है तो ऊपर देखिए साइड में आपको लॉगिन का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप रजिस्टर वाला जो बटन है इस पर क्लिक करिएगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। सेकंड आपको अपना नाम टाइप करना है। उसके बाद एक पासवर्ड आप टाइप कर लीजिएगा जो कम से कम 6 अंकों का होना चाहिए। वही सेम पासवर्ड आपको कन्फर्म पासवर्ड में टाइप करना है। अपना आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, इस बॉक्स पर क्लिक करना है और रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो मैं जल्दी से सभी डिटेल फिल कर देता हूँ। यहाँ देखिए, हमने सभी डिटेल फिल कर दिया है। अब इस जो आइस वाला आइकन है इस पर क्लिक कर आप अपना पासवर्ड देख सकते हो। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, यानी कि कोड जाएगा। वो कोड यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ देखिए, मैसेज के रूप में हमारे पास कोड आ चुका है। यहाँ पर हम कोड को टाइप करेंगे और सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट हो चुका है, आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपका जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड है वो दोबारा से मांगा जाएगा लॉगिन करने के लिए। बैक कर आपको दिखा देता हूँ। रजिस्टर करने के बाद आप डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करिएगा। अब यहाँ पर आपने जिस नंबर से रजिस्टर किया है वो रजिस्टर मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो पासवर्ड आपने बनाया हुआ है वो पासवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिएगा। पासवर्ड टाइप करने के बाद आप रिमेंबर पासवर्ड पर क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, अगली बार जब आप लॉगिन करोगे तो आपको पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है। सो आप लॉगिन पर क्लिक करिएगा। लॉगिन पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुल इस ऐप के अंदर लॉगिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आपको दो तरीके का बुकिंग ऑप्शन मिलता है। एक है बुक एंड ट्रैवल, मतलब ये जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन ये पेपरलेस होता है। इसमें आपको फिजिकल टिकट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्ट फ़ोन से ही सब कुछ हो जाएगा। सेकंड है आपका बुक एंड प्रिंट पेपर। इसका अगर आप यूज कर टिकट बुक करोगे तो इस केस में क्या है, आपको जो इसका टिकट का प्रिंट है वो लेना पड़ेगा। यहाँ देखिए, जो पेपरलेस टिकट है यानी बुक एंड ट्रैवल फर्स्ट वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन में आप आकर टिकट तभी बुक कर सकते हो जब आप जो स्टेशन है उसके बाहर हो, मतलब जिस भी स्टेशन से आपको ट्रेन पकड़ना है उस स्टेशन के आप बहर आइएगा। बट आप यह ध्यान रखिएगा कि 5 किलोमीटर के अंदर ही आप हो स्टेशन से, तभी आप इस ऑप्शन का यूज कर टिकट बुक कर पाओगे। बाकी ये जो बुक एंड प्रिंट वाला है इसमें क्या है, आप कहीं पर भी हो आप टिकट बुक कर सकते हो। आपको इसका प्रिंट जाकर स्टेशन से लेना होगा, उसके बाद ट्रैवल के दौरान आपको यही प्रिंट जो है वो शो करना होगा जो कि आपका टिकट होगा। बाकी बुक एंड ट्रैवल जो पेपरलेस है इसमें आपको कोई भी डॉक्यूमेंट प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब टिकट जो है वो प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो फ़ोन है आप फ़ोन में ही टिकट दिखा सकते हो। सो टिकट ऑप्शन का यूज कर आपका जो टिकट है वो मान लिया जाएगा। अब देखिए, जो भी आपको पसंद आए आप अपने हिसाब से बुक करिएगा। ऊपर की साइड आप देखिएगा, आपको नॉर्मल बुकिंग के अलावा क्विक बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, प्लेटफॉर्म बुकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, सीजन बुकिंग का ऑप्शन मिल जाता है और QR बुकिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल हम बात करेंगे नॉर्मल बुकिंग की। तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करिएगा सबसे पहले जिस भी कैटेगरी में आपको टिकट बुक करना है, पेपरलेस या फिर पेपर वाला। उसके बाद यहाँ पर आपको डिपार्ट फ्रॉम में आपको अपना स्टेशन सेलेक्ट करना है जहाँ से आप डिपार्ट लेना चाहते हो, मतलब कि जहाँ से आपको ट्रेन पकड़ना है। उसके बाद आपको गोइंग टू में जाकर जहाँ आपको जाना है वहाँ का स्टेशन सेलेक्ट कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए, आपको अडल्ट वाले ऑप्शन में आना है। जितना भी आप टिकट बुक कर रहे हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करिएगा। मैक्सिमम आप 4 कर सकते हो यहाँ पर। सो हम यहाँ पर 1 रखेंगे। अगर आपके पास कोई चाइल्ड है, मतलब आपके साथ कोई बच्चा है, तो उसकी संख्या भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद टिकट जर्नी है, यहाँ पर आप इसे मत छेड़िएगा। यहाँ पर ट्रेन टाइप में भी आपको कुछ नहीं करना है। क्लास में आपका इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर आपको गेट फेयर पर क्लिक करना है। गेट फेयर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अदर पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए, बुक टिकट का ऑप्शन नीचे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिएगा। सो जैसे इस पर आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका पेमेंट मेथड आपके सामने आ जाएगा। आप किसी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको UPI से भी पेमेंट कर सकते हो, Paytm से भी पेमेंट कर सकते हो, MobiKwik फ्री रिचार्ज से भी आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना
पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है और मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। आप जो भी प्लेटफॉर्म सेलेक्ट की हो पेमेंट करने के लिए, मतलब पेटीएम, फ़ोनपे, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है, उससे आप बड़ी आसानी से पेमेंट कर पाओगे। पेमेंट करने के बाद आपका टिकट होम पेज पर आपको शो होगा, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको बुकिंग हिस्ट्री का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी टिकट आपने बुक करा हुआ है वो टिकट यहाँ पर आपका शो होगा। अगर आप टिकट को कैंसिल करना चाहते हो तो आप कैंसिल टिकट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर आपका वो टिकट आ जाएगा और जैसे आप ओके पर क्लिक करोगे वो टिकट आपका कैंसिल हो जाएगा। जो टिकट आपने बुक किया है वो शो करने के लिए आप शो टिकट पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर क्लिक कर जो आपने टिकट लिया हुआ है वो आप टिकट दिखा सकते हो। अगर इस मतलब कोई भी टीटी आपसे पूछता है तो आप शो टिकट पर क्लिक कर उसे टिकट दिखा सकते हो। बाकी यहाँ पर इसका वॉलेट है, यहाँ पर आप पैसे ऐड कर सकते हो डायरेक्ट बुकिंग करने के लिए। सो यही है एप्लीकेशन UTS, इससे आप इस तरीके से अपना जो जनरल लोकल टिकट है वो बुक कर पाओगे। बाकी ऊपर के जो ऑप्शन है क्विक बुकिंग, प्लेटफॉर्म बुकिंग, सीजन बुकिंग, सब में लगभग सेम ही है। आपको यहाँ पर सबसे पहले बुक एंड ट्रेवल सेलेक्ट करना होगा, बुक एंड प्रिंट सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी डिटेल मांगी जा रही है वो आपको डिटेल देना होगा, देन आपका जो काम है वो हो जाएगा, आपका टिकट बुक हो जाएगा। यहाँ पर अगर आपको कोई सवाल पूछना है, मतलब कुछ दिक्कत आ रही है, तो नीचे देखिए हेल्प का बटन है, इस पर आप क्लिक करिएगा। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी मिल जाता है 139 का, इस पर आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो और डायरेक्ट आप अपना FAQ में जाकर जो भी आपका प्रॉब्लम है उसका सलूशन भी ले सकते हो। सो यही है UTS ऐप, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कुछ भी कन्फ्यूजन है मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।